पराई ना मैंने आग करे कलवा कोई पहलो टाइम सारो ना। अरे नल पति महाराज यह बात को तो ध्यान देखो, मैंने ना मानी मैया की सीख, अरे तेरे संग में बलम हमारे घर घर की खाई मांग की ठीक हो, और आज तुम मेरी बात न मान रहे। अरे वह भीम की जाई है तेरी पोत को सास मेरी ने कहा माटी खाई। महाराज माटी खाए के जन्म दी हो तुमको। माटी खाए के ऐसे ही बनोगे हिसाब तो लौट के आ गए हो। माटी ने तो पत्ता लगा रहे तेल तेली के पास में आ गए और कह रहा भैया मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, मेरी रानी ने मुझे मना कर दी। बिल्कुल ना जाऊंगा, ना जाऊंगा भाई, बिल्कुल ना जाऊंगा। तेली करो भाई क्यों मना कर दी। अब नल ने एक जुगत लगाई। कैसे? अरे इतनी तो सुन के भैया राजा नल कह रहे हो मेरी एक सुने नाए बानी। और तेली तो कह रहे हो भैया मेरी एक बात सुन ले जाते ना चल रहे हो मैं ओ, कर करो क्या लाभ विपत्ति अपने की आखी अनसों बह रहे हो पानी। और कह रहे हो भैया मैं न्यू ना चल रहे हो पांत खाए भी तू। कैसे? अरे 360 बरद है मेरे बंदी रहिए, क्योंकि 360 कोलू चलते थे राजा नल के तो 360 कोलू उनके 360 बैल। अरे 360 बैल मेरे बंदी रहिए इन कुरा कौन करे गोसानी। कुर कौन पीवाए गो पानी। तब तो जाओ रे पात खाए बेकू सब कामना की तो मैंने जानी। तब तो जाओ पात खा बेकू सब कामना जानी। नल कह रहा भैया देख 360 बर्द बन रही या कुलवार इनमें इनको कौन सानी करेगा कौन पानी पिवाएगा, तुम पात खायाओ और मैं अकेलो सब कामन की मैंने जानी जाओ तुम। दोस्त इतनी बात की सुनकर के जब तेली कह रहा है अरे बाबरे कोई बात नहीं तू कुलवारे में रहे मत चले तू इनको सानी करियो बैल इनको न्याट डारियो इनको पानी पिवाए के लइयो, पर एक बात ध्यान रखना। कौन सी? अरे बेसको बेलन नेरे ले जइयो क्या बात है तूफानी। तेली कह रहा नल तेरे बेटा बाबरे बेसक तू बेलन ने पानी पिवाए को ले जइयो, पर एक बात ध्यान में रखना। कौन सी? ले जइयो एले कुरे
पिया तो पिवाए के वीरन लियो। बैलन ले जियो बेसक इनको पानी पिवाए के लियो, पर एक बात ध्यान में रखियो। कौन सी बात? आर्य मत रस तावे देखा उधम रे मतियो, और भमरा ताल पे बेटा मत चलो। बेशक बैलन को पानी पिवाए के लियो, लेकिन भमर ताल पे कभी मत चला जाना। ठीक बात। अरे बेटा नहीं पड़ेंगे लाज केरे कोड़ा। नल पूछ रहे हो भंवर ताल में क्यों ना पानी पिवाऊं भाई? हाँ तो तेल समझा रहे हो? अरवा में तो पी में राजा बुध के देखा घोड़ा। भंवर ताल राजा बुध को है, और भंवर ताल में सिर्फ राजा बुध के घोड़ा पानी पीते हैं। हाँ, और कोई जानवर ना जाए पानी पीवे? कोई पंछी नहीं पीता है भंवर ताल में पानी। भंवर ताल में पानी पिवाने को बैलन को मत ले जाइए। ठीक। नल कह रहे हो? अरे इतनी तो सुन के कह रहे हो नल नरवर वारो। अरे भंवरा ताल पे नायरी सुखारो। भंवर ताल में पानी पिवाना कोई सुखारा नहीं है। मैं ना जाऊंगा भाई, तुम चले जाओ। आरतीली तो पाता खाए वे दायो, अब नलो रानी तेरे बाता आयो। चलो राजा बुध के पांत खाए को, और नल कह रहा है रानी दमयंती से, अरे रानी क्या कहता है? अरे देखो काम बनाए दे बरनी चुओ को, अब आए लागो रे हमारो धन मुओ को। आ गयो आज हमारो बखत, आ गयो आज हमारो समय आ गयो। अच्छो आज रानी तू थोड़ो सो सहारो दे दे। ठीक बात। अरे ऐसे कह रहे हो ए नरवर वारो, रानी दे दे आज सहारो। तनो परन निभाए दे, अरे सबरिये बरदन ने खुलवाए दे, खुलवाए दे। तनो तो परन निभाए दे, सबरिये बेलन मेरे खुलवाए दे। अरे परनी मैं तोरे तुए समझाऊं, इन कुनीरा पिवाए के लाऊं। इतनी बोलो ए राजा नलवानी, अरे हिलकी वर के तोरे गई रानी। जाते कह रही है मीठी वानी, अरे बेसक बरदन ने ले जइयो, पर तुम हमारा ताल मत जइयो। ऐसा बरदन मेरे ले जइयो, पिया हमारो ताल मत जइयो। अंताई नीर पिवाए के लइयो, अंता नीर पिवाए के लइयो, अंता नीर पिवाए के लइयो। रानी पर धन्य रहिए खुलवा, अरे करनी गांठ बनी खूटा ते, अरे रानी पे तो खूटे भैया। पर जेवरान की करी गांठ कस रही है, घूटान दे सो घूट ना रहे। अम्बे उतमे बढ़िया हमला ने मार रही है, बढ़िया हमला ने मार रही है। सो राजा नल ने का काम करो लल्लू, का कर दियो? अरे भैया नरवरिया ने सावर तो उठा लियो अपनी हाथ, जादनो नरवरिया ने सावर
लखे तमाशो, देख लखे तमाशो, जाको रूप गयो रासो, आए गयो चौमासो। अरे रानी लखे तमाशो, जाकुल सो है रही है जाकी गातो। ए रानी लखे तमाशो, जाकुल सो है रही है जाकी गातो। रानी लखे तमाशो, जाकुल सो है रही है जाकी गाते। तो धानी क्या कर रहे वो रे जनल, क्या करता है? सावर के रही बीत धड़ा के, मूड़ मूड़ खूटा तो दारे, ऐसे नलन रूप दिए काए लेके सावर हाथ में खूटा तो डारे। अच्छो जी, खूटा तो डारे, खूटा तो डारे, जाने सावर लिए हाथ में खूटा तो डारे। अरे जाने सावर लिए हाथ में खूटा तो डारे, जाने सावर लिए हाथ में। ताड़ी ताड़ी देखे रानी, थाड़ी थाड़ी तो देखे रानी, थाड़ी थाड़ी देखे रानी, कैसो लावे गो प्याय के पानी। ए, कैसो लावे रे प्या की पानी, कैसो लावे प्या की पानी। अरे चारे काट दिए, ओ चारे काट दिए, जाने सावर नहीं है हाथ में। अरे जाने सावर नहीं है हाथ में, रानी हाथ जोड़ के बोली। रानी हाथ जोड़ की बोली रे, रानी हाथ जोड़ की बोली। अरे पत के आगे तो कर गई चोली, पत के आगे कर गई चोली, पत के आगे तो कर गई चोली। अरे आंसू जब डारे, ओ आंसू जब डारे, अब तो परी गयो फरक बात में। खूटा तो डारे, जाने सावर लिए हाथ में, खूटा तो डारे, अरे जाने सावर लिए हाथ में। दोस्तों आज राजा नल के हाल को देख करके रानी दमयंती घबरा गई और सोचने लगी एक महाराज जी कैसो पानी पिवाए के ला रहे तू। अरे महाराज सबरे खूटा तोड़ दिए, बधिया बिदक बिदक के भग रही है, और ये तुमने, मैं समझा रही तो। अरे सांटे तो बैल, पैना तो बैल, जमानो हाके सावर तेरा है हाके। ओए जब खरे निकालने की जो लोहो की सावर थी, उस लोहे की सावर को कंधा पर धर ली और 360 बर्द आगे कर ली। ठीक, आज राजा नल 360 बर्दन को लेकर के अकेलो पानी पिवाने के लिए चल रहा है। पल भैया हुआ क्या है? अच्छो तेली नाई करके गयो के भंवर ताल को मत जइयो, लेकिन वो काय को माने। हाँ तू ठीक जा रहा है। हरे आगे आगे और पथिया जा रही, और पीछे नल चल रहे हो रे अकेलो। आगे आगे पथिया जा रही, पीछे नल चल रहे हो रे अकेलो। हर सवरी दुनिया देखे तमाशो, पिंगुल में जुरी रायो मेलो। होरे सवरी दुनिया देखे तमाशो, पिंगुल में जुरे रायो मेलो। अरे सवरी दुनिया देखे तमाशो, पिंगुल में जुरे रायो मेलो। सवरी दुनिया तमाशो देख रही है, फट रहे कपड़ा, फट रहे कपड़ा, फेस बाबरा वैसे चले अकेलो। दुर्लभ दे है रोग को सब मारो, बड़ो मरद अलबेलो, वैसे लखे मरद अलबेलो। लटक रही है दाढ़ी और आता।
बजरिया में जाए रही है बधिया, पीछे नल चल रहे हो अकेलो। सबरी दुनिया तमाशो देखे, गड़ पिंगुल में तो जुड़ी रहे हो मेलो। बनिया बैठे बाजार में बनिया, अम्बे जिनकी खुल रही है तो कनिया, बेच रहे नॉन तेल धनिया, भीतर को फिर रहे हो मनिया। बनियान के मनिया और वो एक भीतर अच्छो हो। हाँ पटक के देखियो कान्ना फैक्ट्री में दाढ़ी में जलते भरी रहे नैना, हाथ में साबर ना है पैना। अरे इतनी बात सुनिए बनियन की, नल के परी गई फाटे, नंगे पावन चला सूरमा लगन लगी है काटे। और बनिया देख रहे हैं लल्लू। हाँ वो कह रहे ये क्या मामला है। अच्छो ये बाबरो अकेलो बैलन ने कहाँ को ले जा रहे हो भाई। साढ़े तीन से बैलन निकलो तारे ले जा रहे हो, कहाँ चक्कर है आज। पर एक बात है। कौन सा चक्कर बात। एक दूसरो बनिया बोलो। हाँ भाई तेल ही के ने कोई मल्ल चढ़ा रहा हो। तेल ही के ने भाई पट्ठा छो चढ़ा रहा खो। ठीक बात। अरे धर कंधा पे सावर जा रहे हो, धर कंधा पे सावर जा रहे हो, ऐसी बोले बानी। और लखनिया के ऐसे लग रहे नाय पिवा वे पानी, नाय पिवा की पानी की तो नाय पिवा की पानी, लखनिया की ऐसी लग रही नाय पे बावे। दोस्तों उधर तो राजा उसके दरबार में नाच पत्र का नाच रही है, सबरे रिश्तेदार बैठे। अच्छो जी तेली की बाट देख रहे हैं। और कुलवारे से रजदन तेली राजा बुझ के यहाँ दरबार में पहुँच रहा है। इधर दुनिया देख रही है कि बाबरों कहा करे भाई, साढ़े तीन सौ बैल 360 बदिया और ये अकेलो हारी। हाँ यहाँ पर रुके गए कैसो पानी प्यावे कोई जाने। अरे दुनिया के खेतन में जा रहे वो जनरल ने क्या काम किया लल्लू। हाँ करो। अरे भैया मन में लावे ना देल, एरे तालो हमेशा को छोड़ दियो वाला जनरल ने। भंवर ताल में एकदम दूर झाड़ रह गए, पार पे बैठ गए, 360 बैल छोड़ दिए भंवर ताल में। क्या रोटे घर लाई डार दियो है बधियन ने डेरा, भंवर ताल के लगी गयो घेरा। भंवर ताल के घेरा लग गयो 360 बैल चारों ओर को झुक गए। तो साढ़े तीन सौ बैलन को तो लगना ही है घेरा। चल थोड़ी देर में क्या बनो लल्लू। क्या बनो खुद जाए बैठो पार पे, सावर पटक पास में दियो। सबरे बैल ताल में झुक गए, देखो देख के फटी रहो। उधर से क्या होता है। हाँ में बखता भयो पानी को, तो 200 बुद के आए रही घोड़ा, 200 बुद के आए रही घोड़ा जाओ, 200 बुद के आए रही घोड़ा। अरे सब पे सवार बड़े अलबेले। उधर तो राजा लल ने बैल झुका दिए ताल में,
भंवर ताल में, उधर से राजा बुझ के घोड़ान को पानी पीने को टाइम है गयो। ठीक, दो से घोड़ा आ रही। अच्छो जी। और दो से घोड़ान पे दो से सवारे बड़े पट्ठा ले ले। हाँ, तो पानी मिलाओ। ये अलवेलो है, अलवेलो दो ही है। अरे सब पे सवार बड़े अलवेले, चटकत जाए रागन में कोड़ा, चटकत जाए रागन में कोड़ा, जाओ चटकत जाए रागन में कोड़ा। और अरे कोई कोई समझदार दोसेन में, अरे कोई कोई समझदार दोसेन में, बाकी छटे छटाई मोड़ा, बाकी छटे छटाई मोड़ा, बाकी छटे छटाई मोड़ा। अरे नल की चमक रही है हडवार, जाके देखते हैं वो बुद्ध राजा की सवार। हम बैक ताल चारों ओर से घिरा हुआ है। अच्छो जी। बूढ़े बूढ़े बैल पानी को झुक रहे। अरे एक बाबरो सो पार पे बैठो भैया, जाके पास ना आए कोई हाथी, बैठो अलवेलो, अरे जाके पानी तो पी रही सबरे बैलो, पार पे बैठो अलवेलो। जनरल पार पे बैठा हुआ है, सावर पास में पटक रखो है, दो से घोड़ा राजा बुद्ध के आते। लेकिन भैया क्या होता है, दुनिया में सभी तो समझदार नहीं है। हाँ, सभी गमारना है भाई, सभी गमार नहीं होती, सभी तरह को मिले नहीं। तो एक सिपाही क्या कहता है उससे, क्या कहता है, कई पार पे बैठा हुआ है आदमी, यानी कैसे अन्याय करें। अरे हमारे घोड़ा पीने का ताल है और उसमें इसने तेली के बैल ला करके झुका दिए, क्या बोले लू बताइयो। अरे अरे भैया वाए बस तीरे बिंगरी जानो, उस बस्ती को बिगड़ा हुआ समझ लो। कौन सी को? अरे भैया जाए बस तीरे बिंगरी जानो, जा में बस जाए खास जमाई। ए लाला बसती बिगरी जानो, जा में बस जाए खास जमाई। तो पानी बसती बिगरी जानो, जा में तो बस गयो खास जमाई। वो बढ़िया बस्ती नहीं है जिसमें जमाई आकर के रह जाए। अम्बे है वहाँ तो खंडती मान लीजिए फिर। अरे भैया वाह कुआ बिगड़ो समझो, जाके जल पे छा जाए काई। ए वातो कुआए बिगड़ो जानो, जाके जल पे तो छाए जाए काई। भैया कुआए बिगड़ो जानो, जाके जल पे छाए जाए काई। काई रे चोरी है बिंगरी समझो, कौन सी है जो पिहार में लगावे साई। ए अब वा चोरी है बिंगरी जानो, जो पिहार में लगावे साई। अब वा चोरी है बिंगरी जो पिहार में लगावे साई।
मत जानो। वो बड़ो आदमी ना रूप सिंह कौन छो, अरे जाए तुम बड़ो मर्द मत समझो, वो तो झूठी दे तो गवाही। कोई बड़ो मर्द मत जानो, जो तो झूठी दे तो गवाही। भैया बड़ो मर्द मत जानो, अरे जो झूठी दे तो गवाही। अरे जा तू छोरा है बिगड़ो समझो, वो आदमी वह छोरा बिल्कुल बिगड़ो समझ ले। कौन से, अरे जा तू छोरा है बिगड़ो समझो, जाके घर में जाके घर में जाके घर में पंच लुगाई। ए भैया छोरा है बिगड़ो जानो, जाके घर में पंच लुगाई। अरे वाह पत्थाए बिगड़ो जानो, जाके घर में पंच लुगाई। अरे पार पे बैठो नर मरवारो, पार पे पार पे बैठो नर मरवारो, इतने में आए गयो एक सिपाही। ए पार पे बैठो नर मरवारो, इतने में आए गयो एक सिपाही। पार पे बैठो नर मरवारो, इतने में आए गयो एक सिपाही। अरे जाते यादवते बतरायो, ओ जाते यादवते बतरायो, मेरी सुन ले ध्यान लगाई। ए जाके यादवते बतरायो, भैया सुन ले ध्यान लगाई। जाके यादव रहो बतराई, मेरी सुन ले ध्यान लगाई। दोस्तों पार पे बैठो राजनल, दो से घोड़ा वाले जवानन में ते एक आदमी आकर के एक सिपाही ने जाकर के ताल ठोक के हुक्म सुनाया। अच्छो जी क्या कह रहा है, क्या कहता है? बैठो बेटा टाट पे कौआ। राजा नल के पास में एक उन दो से घोड़ा वारन में तो एक सिपाही आ गए और कहने लगो है। क्या कह रहे हो, कैसे बैठो अकड़ को मारो, एक सिपाही न रहो बतराए। कैसे बैल ताल में छोड़े, क्या तेरे बाप ने दियो बनाए। या मैं तो घोड़ा बुध के पी में, अरे तेने को बैल झुकाए दिए लाए। नीची गर्दन करके बैठो और राजा नल कछु बोले नाई। हाथ पकड़ के झटका मारो, ओ क्या बात है। नल को हाथ पकड़ लियो, सिपाही ने झटका दे दियो। अच्छो जी हाथ पकड़ के झटका मारो और धरनी में दियो गिराए। अरे सावर परो पास में जाके फिर भी नल कछु बोलो नाई। देखे मरोरा हाथ चढ़ाए दियो, घुसा दियो बगल में जाए। ये घुसा जमा दियो नल में हम बै, वो तो दोस्तों के घमंड में। पर कछु बोल ना रहो अभी तो। अभी तो ना बोलो, पर बेटा एक बार मुंह छोड़ भर देगो। जब एक सिपाही दूर से कह रहे हो कैसे, अरे काय कोई बावर आदमी है, गरीब आदमी, इसको क्यों मार रहा था। बिल्कुल भले आदमी भी तो होते हैं दुनिया में भाई। जरूर सभी तरह के हो। एक तो सिपाही न्यो उठ बोलो, अरे प्यासे बैल कछु तारे उनाए जाए। अरे तुम दो सौ और ई है इकलो, इकले पे बैल संहारे उनाए जाए। तम को जोरो कहा भैया परी रहो, घोड़ा पे बैठे तुम हारे उनाए जाए। एको नाज को भूपा न्यो उठ बोले, हम चार थपारे मारे ना जाए। एक नाज को भूपा बोलो, अरे मरन चल जी से दुआ, अरे बाबरो से सारे में दियो ना थप्पड़। अरे तेरो बोलो जी। इतनी बात को सुनकर के जब सिपाही ने हाथ पकड़ रखो ना नल को, हम वन क्या काम किया ले लो। हाथ करो हाथ
बकर के झटकारे मारो एकदम दीनो ए बहा चढ़ाए दह दियो झटका राजा नल में तब तो गिरो धरन में जाए फिर गो जब धरन ही मेरे राजा एक को घूसा दियो जमाए घूसा गा के फिर बैठ गयो नीचे गर्दन लइए झुकाए ना देखे ऊपर को राजा को का करमन लिखी बलाए बैठो पिटे ताल पे आज राजा नल पिटला है जरूर के पूरा आदमी बहुत है ना समंदर है छोटो पोखरा तो उझल जाए अब चाहे तो चांद इकलो बैठो पिटे पाल पे सन गुमान कोई हत ना है सावर पर हो दूर जाके भैया कल के कपड़ा दीने फार रलबर के राजा में लोगो चार रह पटे दीने हमार जब तक हूँ ना बोलो हो राजा और ना आयो दिल में कछु विचार पर एक बात है दोस्तों कौन सी ढोला नल इतिहास है संस्कृत से लिखा हुआ है नल पुराण 18 पुराण जो हमारे हैं 18 पुराणों में राजा नल पुराण भी है इस नल पुराण में संस्कृत के 438,000 श्लोक हैं इतिहास से अगर कोई गाए चार कला से अवतार हुआ था राजा नल सतयुग में आजकल की बात नहीं है ना पार पे बैठ के पिट रहा है वो तो थोड़े को टिटपुन किया लेकिन राजा नल की पहली रानी गजमोतनी घुमासुरदानी की बेटी अच्छो जी तुम्हें दिए बिहारने के लिए गयो जब छज्जे पे तो गिर के मर गई थी पर मरी मराई कह के गई कि भाई तेरा काम पर है तो वो याद कर ली जो मैं वहां मिलूंगी आज गजमोतनी इंद्रपुरी में सोच रही है कि अकेलो पिट रहे हो बैठो बैठो ऐसे ना जोश आवे गोया जैसे हनुमान जी के लिए वरदान हो ना कि जब तक हनुमान जी को कोई याद ना दिवावे तो बल ना आवे आज गजमोतनी इंद्रपुरी से भंवर ताल की पार पे आ रही है लोगों ऊपर से आई है सका का 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 राम नीचे आ गई नल के पास में और पीछे उठाड़ी है कि बोल मार रही है कैसे बैयर वाणी के बोल ऐसे समझ तलवार के पहने अरे बहुत ब्रो बोल है तार पार है टोपाज की ब्लेड में भी इतनी पहनी धार ना आवे जितनी बैयर वाणी की जीभ में धार होती है यही बात पीछे से बोल मार रही है गजमोतनी कैसे क्या कर रही है लल्लू कह रही है गजमोतनी क्या कह रही है अरे अरे तेरी कहां तो गई रे तरवार ओके आज कहां गई तेरी तरवार कहां धरे आवाज आए तू अरे देखो तेरी कहां तो गई रे तरवार अरे पार पे बैठो बैठो कैसो पीपीरा आरा के कहां तो गई है तरवार पार पे बैठो बैठो कैसो पेटे अरे बैठो बैठो पिटरो राजा बैठो बैठो कैसो पेटेरा आरा के कहां तो गई है तरवार पार पे बैठो बैठो कैसो पेटेरा आयो पीछे से बोल मारी आज कहां गए तेरे वो तीर तरवार जब तरवार से तूने दाने मार दिए जिस तरवार से तूने मेरे बाप मार दियो जिस तरवार से तूने फूल सिंह पंजाबी जीत लिया आज वो तरवार कहाँ गई और वो बल कहाँ गए तेरे क्या कह रही है पीछे से गजमोतनी रानी क्या कह रही है अरे हमारा जी सारा मन आई तो तू पार में हमारा जी सारा मन आई तो तू ताला में आज सर अरे महाराज तो कुछ शर्म नहीं लग रही आज तू पार पे बैठ के पिट रहे हो क्या कर रही है क्या कह रही है अरे अरे वो
महल ते पिया मारो। अरे पार पे बैठो तो बैठो कैसो पीतिया। अरे तेरी कहां तो गई है तरवार बलावा जी। बैठो बैठो कैसो बेटे। अरे बैठो बैठो पितरो हमें बैठो बैठो कैसो बेटेरा। अरे तेरी कहां तो गई है तरवार बलावा जी। बैठो बैठो कैसे बेटेरा। दोस्तों बैयरवानी को बोल जब मार देना बैयरवानी तो छाती में है पार निकल जाए। आज पार निकल गए और ठाड़ो है गए। क्या कह रहा है? क्या कहता है? खाए गोपाल यह बात को ध्यान धर ले। मुर्गी जन्मे बारह बच्चा जिन्ने रोज बिलैया खाए। सिंगनी जन्मे एक के जाते दुनिया भर थर्राए। नल जन्मो इकलो मंजाने शंका करे काल की नाए। बोल मारे ऊपर तू उड़ गई। बोल मार ऊपर तू उड़ गई। अरे खटको बोलो करी जा जाए। एकदम ठाड़ो भयो पार पे मैया तेलियो ध्यान लगाए। सुमर लइए जब ना हर बारी। अरे जो यसने में करे सहाय। को मारी कर में सावर लियो उठाए। सावर ले लियो नल राजा ने अपने हाथ दियो ददकार। ठाड़ो है गयो नर वरवारो जाने सुमर लिये करतार। एकदम हो सब बदन में छाए गयो जाने हाथ उठाए दरबार। तेगा ना है नर वरिया पे सावर हाथ उठाए ले जाए। जो घोड़े पे चलो सिपाही। चलो सिपाही झटका दियो एकदम मार। झटका देह धरनी ही मैं पटको ऊपर लयो घुसा दमदार। देख घुसा पटक धरन में ऊपर घोटू दियो जमाए। गाय पकड़ ले भाई तो डार है अब तो लगा दियो लगाए। एक को पकड़े दो मर जा में तीसरो है जो खाए मर जाए। चौथे पे झटका ना जिलता जो सावर के नीचे आए। पकड़ ले जाइए तोड़ा रे। अरे भमरो ताल की पार कुमार जब बीनो बीनो मारे। बे पकड़ पकड़ के मार रहा है। अरे जाकी कुत्तिया पकड़ ले जाइए घुस बस। कुमार ने गर्दन दीनी तोड़। कुमार ने गर्दन दीनी तोड़। जो कोई पर जाए हाथ तुरंत वाय देता कुमारा। मरोड़ जो हाथ पकड़ जाए जाइए मरोड़ दे। अरे सब मरोड़ दे मुर्गी के बच्चा है। क्या कर रहे हैं? क्या करता है? अरे गिरहा जैसे पिचरे कुंडन में जैसे मस्त हुए गजराज फिरे कमलन के झुंडल। जैसे कमल के झुंडन में
हाथी छोड़ दिया हो। हाँ अब हाथी को कमल की पंकज, अरे पंकज नाल तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर दुहा लिखा ना कि तोरो छत्रक दंड जिम जिम गज पंकज नाल, जैसे हाथी पंकज कहते कमल को, कमल की डंडी को तोड़ देता। क्या कर रहा है, क्या करता है, कोई जोरी ना पड़ रहा सूरमा पे। अरे कुमार की फटी जाए छाती, अरे कुमार की फटी जाए छाती रे, कुमार की फटी जाए छाती, कुमार की फटी जाए छाती। घूम पार जो मतवारो हाथी, दो से आदमी है क्या बना लल्लू, क्या बनाओ दो से, मार दिए जोड़ा के जोड़ा रे, मार दिए जोड़ा के जोड़ा रे, मार दिए जोड़ा के जोड़ा, मार दिए जोड़ा के जोड़ा। दो सेल में दिए 70 बुध के मार दिए घोड़ा, 70 घोड़ा खत्म कर दिए। बहुत अच्छा करो तैयारी। और जो दो से सिपाही है ने, हाँ उनमें से कितने मारे, वो ढीले खुशनार मारे। अरे कुमार ने बनसो लियो बीन, कुमार ने बनसो लियो बीन, कुमार ने बनसो लियो बीन, कुमार ने बनसो लियो बीन। कौशल में ते जीवत छोड़े राजा नल ने, तीन तीन आदमी जीवत छोड़े, उन तीनन का क्या बनाया अब देखिए। कहा बने हो तीनन में, एक तो माली अच्छो और एक को खटीक, ओहो और एक को बनिया। बहुत बढ़िया, अब खटीक और बनिया माली तो भगो हम बुद्धराजा पे खबर करूं को भमर ताल पर रास रुक गए, और खटीक और बनिया पकड़ के राजा नल ने एक जगह कर दिए। अच्छो और जो लोहो को जो सावर हो ना कोलू को, हाँ जवान दो एक दये, जवान दो एक जगह दिए जोड़, जवान दो एक जगह दिए जोड़, जवान दो एक जगह दिए जोड़, जवान दो एक जगह दिए जोड़। लेके सावर हाथ नार में दिए तुरता मरोर, और बनियार खटीक एक जगह करके नार में के सावर डालकर अंटा मार दियो। बहुत बढ़िया करो भाई। खटीक पूछ रहे कि तू कौन जात है, एक जगह ही तो पड़े वो नार में सावर मिले हुए। हम खटीक बोलो कौन जात है, बोलो बनिया। बनिया बनिया बोलो तू कौन जात है, बोलो खटीक। बनिया बोले पर हटे मोमेंट बात आ रही, पर हटे कैसे भाई, तू तो भाई अब जबरदस्ती काम है रो, ठंडा फिट हुए बड़ो बिल्कुल। दोनों पार पे पटक दिए सावर, भाई छोड़ आयो दुर्गा मैया की आंधे दही सावर के लिए, कोई नहीं खोल सकता इसको। और लाला हुआ दे 360 बैल भगाई वाने। हम देखो आज क्या होता है। अच्छा जी कुलवारेन में आ रही है बधिया, रानी दमयंती कुलवारे के दरवाजे बैठारी है कि देख रही है कि महाराज ने तो आज अन्याय कर दिए, रोक दो कोई कोई रात हो। बधिया कैसे भाग के आ रही है, सबरी बधिया बांधी रानी दमयंती ने। ठीक बात है, राजा नल आ गए कुलवारिन में, नीचे को गर्दन करके बैठ गयो, अपनी रानी दमयंती की परीक्षा ले रहा है। रानी हाथ जोड़ करके बैठ गई चरणन में और कह रही है महाराज एक बात बताओ। क्या कह रही है, बोलो क्या। दिनों खिले कमल को सोपिया फूल, अरे आजा तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाएरा। अरे पहले खिले कमल को सोपूल, वो आजा तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाए, चेहरे पे उदासी, तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाएरा। फूल तो आ जा तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाए रा। क्या बात है महाराज, बैठ गए कुलवारिन में जाकर के नीचे को गर्दन करके, सावर लेके गए वो नहीं है तुम्हारे पास,
बदिया में पानी पिवाने के लिए ले गए तुम, लेकिन कोई कभी आ रही है कोई कभी आ रही है, क्या मामला है? और चेहरे पे तुम्हारे पे उदासी और सुस्त आकर के बैठ गई कुलवारिन में, क्या मामला है ये? क्या कह रही है रानी दमयंती? क्या कह रही है? तूफानी जरा होश में लाला, क्या कह रही है बताइयो? अरे मेरे दुल्हा जी, कौन तो मुसीबत तो पे पड़ी गई, सुन पिया मेरे, कौन तो मुसीबत तो पे पड़ी गई, सुन साजन मेरे, कहा तो मुसीबत तो पे पड़ेगा। महाराज क्या मुसीबत पड़ गई आपके ऊपर? भमर ताल पे, तुम भमर ताल पे तो नहीं चले गए? कह रहा ना रानी, तो फिर उदास क्यों हो? अरे अरे क्या पड़ गई है भजन में कोई भूल? महाराज कोई नेम टेम में फर्क पड़ गया? अम्बा या थूथरा से लटका रहा जब मोगरी काई ने उंगरिया दिखाई ना, काउ ने आंख दिखाई ना, काउ ने गाड़ी दई ना, कोई ऊंचो नीचो बोलो ना, काउ ने लठ फरसा दिखाओ ना, काउ ने काई तो मेरी वर्ते ठट्टे कर लिए भैयरबानी, काई की भैयरबानी तो कोई ठट्टे कर ले जब आदमी उदास है जाएगा? बिल्कुल है जाए, अरे बहुत बुरा है जाए। नेक भी ना हो तो बनित ना हो, क्यों भी आमत ना हो, क्यों है? अरे तो अरे हम नहीं होंगे मुन्ना भाई साहब, अभी नुकर कोई की भैयरबानी तो कोई ठट्टा कर ले आदमी उदास है जाए, हम धर्म से करें हम नहीं होंगे, ये हमारी भैया बंद खूब ठट्टे कर। क्या कह रही है? क्या कह रही है? अरे अरे के कोई पड़ गई है भजन में पिया भूल, अरे भमर जी चेहरा तो कारो कैसे पहरीरा, पहला खिले कमाले को तो भूल राजा केरो, चेहरा तो कारो कैसे पहरे, चेहरा तो कारो कैसे पहरेरा, अरे पहले खिले कमाले को तो भूल राजा केरो, चेहरा तो कारो कैसे पहरेरा। जब नल ठाड़ो है गए और कह रहो रानी मेरे चेहरे का कारण पूछती है, बोलो हाँ महाराज बताओ, चेहरे का कारण पूछे तो सुन रानी, जब तक अरे मैया के परों में पेट में, अरे जब से बास रे बनी को दियो, अरे बिपता परी रे मात मेरी पे मैंने जन्म वही सबरे में दियो, ना हो मोकु खावे कु नाज तलक रानी, बिपता में जल मैंने बन को पियो, और बनिया बने रे धर्म के मामा, सेठन के घर गुजारो जियो, बड़ो भयो जब दानो मारो, मोतिन ते मैंने ब्याह कर डारो, ऐसी विपता मोह पे जब उनाए परी, फूल सिंह पंजाबी कहते जेल छुड़ा लायो तो भी ऐसी विपता नाए परी। गज दमयंती करिए महाराज वह बात बताओ, क्या विपता पड़ गई आज, क्या उदास हो? जब क्या कह रहा है नल, क्या कहता है? अरे अरे रानी मैं तो भमर ताल पे, हो रानी भमर ताल पे वो मैं लगाए गई थैला मार, अरे रानी भमर ताल पे अच्छा महाराज या वजह तू उदास हो भमर ताल पे? अरे रानी बुद्ध के सिपाही मोरे अंदर मार लगा गए मेरे ऊपर, जब मार को नाम सुनो ने सिपाही मार लगा गए, न्यो ना कही राजा नल ने अभी रानी थे, अब मैं भमर ताल की लड़ाई जीत आया, बुद्ध के सिपाही को खत्म कर आया, न्यो ना कही अभी परीक्षा ले रहा अपनी रानी की। अच्छा। बस न्यो कह दे की सिपाही मार लगा गए, जब रानी दुमयंती ने ये सुना सिपाही मार लगा गए, जिंदा बैठो, जब क्या कह रही है रानी? मरे राय तू तो ठोर ना मिली कहूं। रानी क्या कह रही है? क्या कह रही है? तूफानी ले लाला होते, अरे अरे तो पार पे पी
जातो। पर बे पिया मर जातो ना जिंदो यहाँ आतो मुख मुखो ना दिखातो। पिट के यहाँ आ गए कुलवारी में, पार पे खत्म हो जाना था तुझे, जिंदा कुलवारी के अंदर नहीं आना था। यह थूतरे और दिखा रहा है। ए पार पे पिया मर जातो रे ना आतो मेरे कुलवारे न के बीच। ए संग में है जाती रानी दमयंती कह रही है, महाराज अगर पार पे तुम मर जाते तो मैं तुम्हारे साथ में सती हो जाती। और कभी लोगों ने कहा है औरत के चार लक्षण होते हैं, जो उत्तम और उत्तम औरतें होती हैं उनके लक्षण बताते हैं। क्या लिखा है कवि तुलसीदास जी ने? चार लक्षण लिखे हैं रामायण के अंदर, उत्तम मध्यम नीच लघु। लेकिन कभी लोगों ने जो लक्षण बताए उत्तम औरत के, वो क्या बताए लल्लू बताइयो? नारी तो वही है नार, नीचे कूना बाई के चले, आठों पैर पत की बजावे तावेदारी। वही अच्छी औरत होती है ठीक, गर्दन नीचे करके चले, हम अपने पति की सेवा में रहे। सही है, नारी तो वही है नार, नीचे कूना बाई के चले, आठों पैर पति की बजावे तावेदारी को। धीरे बोले होले चले, काउ की ना बुराई करे, आ जाए तो हिल मिल के काट देला चारी को। निर्धन मलीन चाहे पति तनहीन होए, सुख दुख सह जाए खोटे देना गारी को। कह तो हरी राम गुजर जिनके ऐसी भावनाएं, पति के प्रताप स्वर्ग मिलता है ऐसी नारी को। दमयंती ने यह कह दिया अगर तुम पार पे खत्म हो जाते तो मैं सती हो जाती, लेकिन तुम्हें पिट करके मेरे कुलवारे में नहीं आना था। तब राजा नल खुश सह गए, कुवारे पत्नी हो तो ऐसी जरूर है। अरे काय कुरानी तेरो दिल घबरायो, भमरे ताल में जीत के आयो, बुद्ध के सिपाही ने मारायो, काय कुत्ता ने रही है मार, दो से घोड़ा दीने मैंने मार, सिपाही मारे दो से, मत करे तना कभी सोच काये को मेरे दिल को से। हरी राम कहे अलाव रे वारो, ढोला पूरो भयो है हमारो, भमर ताल पे जीत कराई, नल मंजा को है यो ताई, मेरी राम राम ले लीजो, अरे भूल चूक की माफी दीजो, दिल की मिट गई बे, अरे सुन भैया न को राम राम है। बोलो चलो सतवारे की, अरे इन राजा पे बराई ना मैंने आग करे कलवा, कोई पे लौटा जो सारो जोगे ना। अरे नल पति महाराज यह बात को तो ध्यान देखो, मैंने ना मानी मैया की सीख, अरे तेरे संग में बलम हमारे घर घर की खाई मांग की। ठीक हो, और आज तुम मेरी बात नहीं मान रहे। कहने अरे वह भीम की जाई है तेरी पोत को, सास मेरी ने रखा माटी खाई। महाराज माटी खाए के जन्म दियो तुमको। माटी खाए के ऐसे ही बनोगे हिसाब तो, लौट के आ गए माटी ने तो पत्ता लगा रहे। तेल तेली के पास में आ गया और कह रहा भैया मैं नहीं जाऊंगा,
मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी रानी ने मुझे मना कर दी। बिल्कुल ना जाऊंगा, आ जाऊंगा भाई, बिल्कुल आ जाऊंगा। तेली करो भाई, क्यों मना कर दी? अब नल ने एक जुगत लगाई। कैसे? अरे इतनी तो सुन के भैया राजा नल कह रहे हो, मेरी एक सुने नायबानी। और तेली तो कह रहे हो भैया मेरी एक बात सुन ले, जाते ना चल रहे हो मैं। ओ, कर करो क्या लाभ विपत्ति अपने की, अखियन सो बह रहे हो पानी। और कह रहे हो भैया मैं न्यू ना चल रहे हो पांत खाए भी को। कैसे? अरे 360 बरद है मेरे बंदी रहिए, क्योंकि 360 कोलू चलते थे राजा नल के, तो 360 कोलू उनके 360 बैल। अरे 360 बैल मेरे बंदी रहिए, इन कुरा कौन करे गोसानी। कुरे कौन पीवाए गो, तेरा प्यासे मर जाए बैल हमारे, इन तू कौन पीवाए गो पानी रा, इन तू कौन पीवाए गो पानी। तब तो जाओ रे पात खाए बेकू, सब कामना की तो मैंने जानी। भैया देख 360 बर्द बन रही या कुलवारिन में, इनको कौन सानी करेगा, कौन पानी पिवाएगा? तुम पात खायाओ और मैं अकेलो सब कामन की मैंने जाने, जाओ तुम। दोस्त इतनी बात की सुनकर के जब तेली कह रहा है अरे बाबरे कोई बात नहीं, तू कुलवारे में रहे मत चले, तो इनको सानी करियो, बैल इनको न्याट डारियो, इनको पानी पिवाए के लियो, पर एक बात ध्यान रखना। कौन सी? अरे बेसको बेलन नेरे ले जइयो, क्या बात है तूफानी। तेली कह रहा नल तेरे बेटा बाबरे बेसक तू बेलन ने पानी पिवाए बे को ले जइयो, पर एक बात ध्यान में रखना। कौन सी?